विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में 71वीं लड़कों की 3 दिवसीय खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में हमीरपुर तथा सुजानपुर जोन के 23 स्कूलों के 381 बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में बच्चों को खेल भावना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खेलों में जहां शरीर बलवान बनता है, वहीं बुद्धि का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी नशे से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी पाने 3% स्पोर्ट्स कोटा तय किया गया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपए बच्चों को दिए। उन्होंने स्कूल की 4 दीवारी बनाने की मांग पर इसका प्राकलन तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे स्वीकृत करवा दिए जाएंगे। स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य आदर्श बाला ने विधायक नरेंद्र ठाकुर का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ADPO राजेंद्र शर्मा ने स्कूलों में करवाई जा रही खेल प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समारोह में भाजपा मंडल महामंत्री हरीश शर्मा, अमरोह ग्राम पंचायत के प्रधान बबली देवी, उप प्रधान कुलभूषण, SMC प्रधान संजीव कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रतन चंद, मुख्य अध्यापिका मजोग सुल्तानी, सुमन पटियाल, बलदेव रांगड़ा, सुमन बनियाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह, समन्वयक सुनील कपिल, सहायक समन्वयक सुरेश ठाकुर और संजीव शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान से कृष्णा युवा मंडल भगेटू द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हरित दिवस का आयोजन करते हुए राजकीय प्राथमिक पाठशाला भगेटू में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में PTA प्रधान अंजना कुमारी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने विचार रखें और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक वृक्षों का रखरखाव व पौधारोपण करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हम सबको अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने चाहिए। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य शकुंतला देवी ने बताया कि जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर के रूप में छोड़ गए थे, उन्हें हम सजा कर रखना चाहिए। और स्कूल की अध्यापिका सुची चंदेल ने पौधारोपण के इस उपलक्ष्य पर स्कूल के बच्चों को पेंसिल बांटी गई। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी सुमनलता, शकुंतला कुमारी, रविंद्र कुमार, तारो देवी, मनोरमा देवी, नरेश कुमार, हरि ओम, राजन कुमार, प्रेमचंद मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। जिला बिलासपुर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित खेल मंच उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकें। ये बात विधायक सुभाष ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के खेल मैदान में छात्राओं की जिला स्तरीय अंडर-14 खेलों का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला में खेल छात्रावास इंडोर स्टेडियम के रखरखाव के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं ताकि यहां पर रहने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि बिलासपुर खेलों का हब है, यहां पर जल, थल और वायु तीनों प्रकार के खेलों को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर तीनों खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला में साहसिक खेलों, पैराग्लाइडिंग जैसी खेल गतिविधियां जिला में आयोजित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि जो खिलाड़ी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहें तथा अपना ध्यान पढ़ाई तथा खेल गतिविधियों पर केंद्रित करें। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों के बारे में पूरी नजर रखें। उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि बच्चों को उनकी रुचि के विषय चयनित करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे मन लगाकर उस विषय को पढ़ें। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना तथा अनुशासन में रहकर खेलने का आह्वान किया। सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी जयपाल शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्यों का
स्वागत करते हुए बताया कि 4 दिन चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता में 54 स्कूलों के लगभग 550 छात्राएं भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस, जूडो, हॉकी, बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल की खेलें खेली जाएंगी।